हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थम सा गया है। कुछ एक जगहों पर तो बादल बरस रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से वहां उमस बढ़ रही है, जिसके चलते मंगलवार को सितंबर में धर्मशाला में 36 साल बाद अधिकतम पारा 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। राजधानी शिमला और कांगड़ा में भी उमस पसीने छुड़ा रही है। शिमला में लगातार दूसरे दिन पारा 28 और कांगड़ा में 35 डिग्री रहा। मंगलवार को प्रदेश के 17 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। बुधवार को भी अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं पर बात करें 26 और 27 के बीच के मौसम की, तो येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। आपको बता दें कि 1988 में दर्ज किया गया था 38 डिग्री तापमान। धर्मशाला में 36 साल बाद सबसे अधिक पारा दर्ज किया गया है। इससे पहले साल 1988 में सितंबर के दौरान पारा 38 डिग्री दर्ज हुआ था। इसके बाद के वर्षों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहा। अब मंगलवार को पारा 32 डिग्री पहुंचा 4 साल बाद। ऊना में सबसे अधिक पारा 38.6 डिग्री दर्ज हुआ है। इससे पहले सितंबर 2020 में भी अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री पहुंच गया था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में बुधवार को मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, लेकिन 26 और 27 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में इस अवधि के दौरान 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोकल 18 के लिए शालिका ठाकुर की रिपोर्ट।